नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। डूबती नैया को सहारा मिलता हुआ दिख रहा है और बड़ी खुशी की लहर दौड़ते हुए दिख रही है पेटीएम के शेयर धारकों में। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलते ही स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो गया है 10%। पेटीएम के शेयर में आज आपको एक दमदार उछाल देखने को मिला है। वैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डेफिनेटली पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले पेटीएम के स्टॉक की बात करें तो आज 10% के अपर सर्किट पे लॉक कर दिया शेयर ने अपने आप को। 509 रुपीज के लेवल पे स्टॉक देखने को मिला है। वैसे तो पूरा बाजार ही रॉकेट हुआ, लेकिन पेटीएम में ए से लेकर जेड तक सारे इन्वेस्टर ऑलमोस्ट ट्रैप हैं, बड़ा हैवी ट्रैप है, बहुत गंदी तरीके से। मतलब बस ये भगवान से प्रे करते हैं हमारा शेयर हमारे भाव पे आ जाए। लेकिन एक होप है कि पेटीएम आज भी सब लोग यूज कर रहे हैं, तो कंपनी जब तक चलेगी ना तब तक स्टॉक का प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है। कंपनी जब तक स्क्रीन पे नहीं, बिजनेस में, देश में, आपके आजू बाजू दिख रही है, तब तक उसके स्टॉक के प्राइस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऊपर नीचे वो लाइफ लॉन्ग करेगा, लेकिन ट्रस्ट आप कर सकते हो अगर बिजनेस है तो, क्योंकि वो कंपनी कोशिश कर रही है अपने आप को बढ़ाने की, बनाने की। और जब सब कुछ खत्म हो जाए किसी कंपनी के लिए और अचानक से कुछ होना, तो फिर वो बहुत पॉजिटिव होता है। अब पेटीएम का हाल कुछ ऐसा ही है, इनके लिए एक के बाद एक नेगेटिव चीजें दिखी और अब कहीं जाके एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी का बयान आया है, एग्रीगेटर लाइसेंस अप्रूवल आ गया है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी का। और अब ये एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई से अप्रूवल ले सकते हैं, आरबीआई को एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। और जैसे ही इन्हें मिल जाएगा देन उसके बाद डेफिनेटली बड़े लेवल पे दोबारा से काम शुरू करेगा पेटीएम। पहले मैं आपको पेटीएम के स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आज तो हमने देखा बड़ी शानदार तेजी बनी है। बीते कुछ दिनों से भी ना पेटीएम का शेयर हायर हाइज की फॉर्मेशन में चल रहा था, एक लो लगाने का, लगभग 770 से वन साइडेड गिरावट हुई। फरवरी के मिड में 15-16 फरवरी को स्टॉक ने ना 325 के करीब का लो लगाया, कंसोलिडेशन दिखाया पूरे लगभग, फिर मई में दोबारा 320 पे लो लगाया, फिर धीरे धीरे हायर हाइज लगा रहा है और कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है अभी। इसका चार्ट पैटर्न इतना प्यारा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ना एक राउंडिंग बॉटम बना के यहां खड़ा है, यहां तक आएगा जो कि बनता है 700 रुपए। तो जिसके पास भी है वो डेफिनेटली अब बेचने वाला नहीं है, क्योंकि खबर पॉजिटिव हो गई है, शेयर का प्राइस चलने लगा है। तो आपके लिए जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्क्रीन पे वो कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है दोस्तों 650 का, 650 का। लेकिन एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ये 750-720 तक की जर्नी में भी पहुंच सकता है। क्या फ्रेश खरीदारी की जाए, क्या मंडे बाजार में ओपन मार्केट से उठा ले जब इतने बड़े टारगेट्स की बात है, तो कन्विक्शन उतना नहीं है दोस्तों, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस कॉल में, क्योंकि पेटीएम ने आज तक ना पैसा नहीं बनाया। जब भी उछाल आया है तभी ऊपर से सेलिंग आ गई है। पेटीएम आज भी अगर आप कितना कुछ भी कर ले, पेटीएम घाटा कंटिन्यू बढ़ा रहा है अपना, मतलब टर्न अराउंड स्टोरी अभी तक दिख नहीं रही है। कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, हर व्यक्ति इन्हें जानता है, लेकिन ना स्क्रीन पे कभी कुछ नहीं आता। एक चीज थी जो बढ़ती थी वो था टॉप लाइन रेवेन्यू। अब की लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर वन की, जून क्वार्टर के बात करूं अगर मैं, तो वहां पे तो इनका रेवेन्यू भी घटकर आया है। तो प्रॉफिट तो खैर ही नहीं, घाटा बढ़ रहा है, रेवेन्यू घट रहा है, एक्सपेंसेस में कोई कमी नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट खराब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत खराब है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है। अब शेयर बाजार में क्या है कि तेजी में आ गया, एक खबर आ गई, सब पॉजिटिव हो गए। भाव ही भगवान है, वो ट्रेडर्स का काम है, अपना काम है। ये न्यूज का चैनल है, ये इन्वेस्टमेंट का चैनल है, ये एनालिसिस का चैनल है। मैं अपनी तरफ से फुल जोर प्रयास करता हूं, जितना मेरे को, जो मेरे को समझ में आता है आपके साथ डिस्कस करने का। यहां कोई 100% नहीं जानता, कोई 100% हमेशा ठीक नहीं हो सकता है। हम बस कोशिश करते रहते हैं प्रेडिक्शन करने की, चीजों को आपके साथ डिस्कस करने की। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जिनके पास है, जिन्होंने अपनी रिस्क पे लिया है, उनको कुछ राय देने बनता है तो वो ये कि भैया आपका शेयर अच्छा कर रहा है, चीजें अच्छी सुधर रही हैं, होल्ड करने में बेटर है। आपके लिए एक छोटा स्टॉप लॉस तो बनेगा नहीं, बड़ा ही बनेगा, 456 का जहां से आज भागा है। यानी डे लो के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को बनाए रखें, कैरी करते चलें, और आपके लिए हो सकता है जल्दी ही 600-650 और मे बी 720 तक के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिख जाएं। खबर बेहद पॉजिटिव है, नो डाउट। और जिस प्रकार आज रैली बनी है पेटीएम से, पेटीएम के शेयर में, वैसे ही जैसे आरबीआई से इन्हें लाइसेंस मिलेगा, आरबीआई डेफिनेटली इन्हें लाइसेंस दे देगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आरबीआई भी चाहता है भैया चीजें आगे बढ़ें,
तो लाइसेंस देगा देन अगेन फिर से एक बार बड़ी रैली बन सकती है। पेटीएम सोर्स 10% हिट्स अपर सर्किट आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूव्स एफडीआई प्रपोजल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। तो यही खबर आज पूरे लाइमलाइट में आ जाएगी पेटीएम के लिए। आगे मैं और कुछ पढ़ने की कोशिश करूँ तो वही है, वो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे फिर और क्या है। द शेयर्स ऑफ फिनटेक मेजर पेटीएम सोर्ड एज मच एज 10% इंट्राडे टू हिट एन अपर सर्किट ऑन फ्राइडे आफ्टर द गवर्नमेंट अप्रूव द कंपनीज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। यही सारी चीजें हैं। अब पेटीएम कैन अप्रोच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सीक द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस विच द सेंट्रल बैंक इज लाइकली टू एवेल्यूएट फर्दर। बस यही चीज है जो आपके साथ हमने डिस्कस करी, उसी को डिटेल में बाकी लोग भी दिखाएंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।